रजनीकांत की फेमस फिल्म है रोबोट और ये फिल्म आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। जी हाँ, एक बार फिर से ये साइंस फिक्शन फिल्म आपको बड़े पर्दे पर अगले साल तक देखने को मिलने वाली है। रोबोट में जहाँ उन्होंने वसीकरण का किरदार निभाया था और चिट्ठी का किरदार निभाया था, तो वही दूसरी फिल्म में उनका यही किरदार था, लेकिन उनके अगेंस्ट उनके सामने खड़े हुए थे पक्षी राजन यानी की एक्टर अक्षय कुमार, जो की उनके कॉम्पिटिटर थे। और इस फिल्म में दोनों के बीच में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। एक बार फिर से अपनी एक्शन और ड्रामा के यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ रोबोट 3.0 आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलने वाली है। स्पेशल इफेक्ट्स होने वाले हैं, सब कुछ शानदार और जानदार होने वाला है। जी हाँ, इस साईफाई फिल्म को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। बता दें कि रजनीकांत के इस फिल्म को लेकर ये कहा जा रहा है कि फिल्म को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लाने के लिए मेकर्स काफी मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ फिल्म की कहानी को दोबारा से लिखा जा रहा है और इस बार कुछ नए तरीके से लिखा जा रहा है। फिल्म में जहां आपको एक्शन देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर नई स्टार कास्ट भी देखने को मिलेगी। फिल्म में जहां पहले लीड रोल में ऐश्वर्या राय थी और दूसरी बार एमी जैक्सन थी, तो इस बार खबरें हैं कि फिल्म में लीड रोल एक स्टार किड निभा सकता है। और दूसरी ओर ऋतिक रोशन आपको फिल्म में नजर आने वाले हैं रजनीकांत के साथ भी और उनके अगेंस्ट भी। वेल, अभी तक ऐसा कुछ भी फिल्म की कहानी को लेकर फाइनलाइज नहीं किया गया है, लेकिन हाँ खबरें यही आ रही है कि फिल्म के स्टार कास्ट को लेकर मेकर्स ये तय कर लिया है कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में होने वाले हैं। बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 500-600 करोड़ हो सकता है। वेल, आप कमेंट करके बताइए कि इस फिल्म को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं।